नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। दोपहर 3 बजे ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीतरवार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हाजिरी रजिस्टर में अनुपस्थित मिले कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के निर्देश और दवाई स्टॉक एक्सपायरी दवाओं को देखने के निर्देश भीतरवार एसडीएम को दिए। साथ ही हॉस्पिटल परिसर में गंदगी देख नाराजगी जताई। वहीं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निरीक्षण के दौरान भीतरवार एसडीएम अश्विनी कुमार रावत को निर्देशित किया कि विगत 6 महीने से पेंडिंग पड़े सफाई कर्मचारियों का वेतन शीघ्र दिलाएं। अगर किसी भी तरह का कोई इश्यू आ रहा है तो मेरे को तत्काल बताएं, मैं उसे तत्काल कराकर वेतन दिलवाऊंगा। वहीं कलेक्टर ने पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि भीतरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की काफी शिकायतें मुझे मिल रही थी, जिसको लेकर आज मैं खुद ग्वालियर से भीतरवार स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति देखने आया। शीघ्र ही भीतरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सफाई व्यवस्था और अन्य तरह की व्यवस्थाओं को शीघ्र सुधार कराया जाएगा। वहीं भीतरवार एसडीएम और तहसीलदार के द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे एंटी माफिया की कार्यवाही पर दोनों अधिकारियों को बधाई का पात्र बताया। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगर आपकी निगाह में कोई एंटी माफिया हो तो तत्काल मुझे और एसडीएम को बताएं, हम उस पर तत्काल कार्यवाही करेंगे, कोई भी एंटी माफिया नहीं बचेगा। निरीक्षण के दौरान भीतरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पोस्टमार्टम हाउस काफी दिनों से खंडर पड़ा हुआ है, जिसको लेकर कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देशित किया कि इसका प्रस्ताव बनाकर मुझे भेजे, मैं तत्काल पोस्टमार्टम हाउस को बनवाने का प्रयास करूंगा। निरीक्षण के दौरान भीतरवार एसडीएम अश्विनी कुमार रावत, तहसील श्यामू श्रीवास्तव, नगर परिषद सीएमओ सतीश कुमार दुबे आदि उपस्थित थे। नहीं, तो अभी एसडीएम को मैंने निर्देश दिए, अब ये एक मतलब एक महीने का विशेष अभियान चलाएंगे, अपना हॉस्पिटल नंबर वन, आपको एक महीने में इसमें परिवर्तन। भीतरवार में यहाँ पे अस्थायी कर्मी थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, तकरीबन 2 दर्जन थे, उनको दीपावली से आज दिनांक तक वेतन नहीं मिला है। अप्रैल महीने से आज दिनांक तक वेतन नहीं मिला है, वो मारे मारे फिर रहे हैं। उन्होंने आपने आज मुझे बताया, मैं इसको तत्काल दिखवाता हूँ, आप इसको देखो। एक चीज और थी, यहाँ पीएम हाउस पूरी तरह से